वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। आशा है आप लोग सब सही होंगे। तो आज गाइज हम जाने वाले हैं अंबेडकर पार्क। हमने सोचा चलो आज मेरी स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो आज चलो कहीं घूम ही आए, घूम ही ले थोड़ा। ओके तो गाइज वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नया बंदा कौन है अभी। तो गाइज मैं अपने बड़े भाई का छोटा भाई हूँ। तो चलते हैं गाइज। ओके गाइज हम अंबेडकर पार्क तो आ गए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 10 मिनट बाद एंट्री होगी क्योंकि उनका लंच टाइम चल रहा है। वो अपना लंच कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो लंच कर लेते हैं फिर हम उसके बाद चलते हैं। देखिए गाइज ये रहा अंबेडकर पार्क की, अंबेडकर पार्क ये लिख रहा है, हम आ गए हैं। ये इसका गेट है इधर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका गेट इधर है गाइस। 10 मिनट तो हो चुकी हैं, हम एंट्री करवाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस हमारी एंट्री हो रही है, एंट्री के लिए हमारा आधार कार्ड भी लग रहा है। आधार कार्ड से ही एंट्री होगी हमारी। तो गाइस अब हमारी एंट्री हो चुकी है, अब हम अंदर जा रहे हैं। ओके गाइस अंदर से कुछ ये ऐसा दिखता है, देखिए गाइस। गाइस एक्चुअली क्या हुआ कि भाई तो साथ में आए नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ काम पड़ गया था बीच में, उन्हें कुछ काम करना था, कॉलेज भी जाना था, तो वो कॉलेज गए हैं, भाई नहीं आए। तो मैं और मेरे पापा जी आए हैं और मेरी बहन आई है और ही। ओके गाइस गाइस ये देखिए, ये इस पार्क में ये जो पानी के फुव्वारे भी लग रहे हैं, ये देखिए इधर भी लग रहे हैं, पूरा गोल है ये, इसके अंदर से पानी निकलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे ये। अगर इसमें से अगर पानी निकल रहा होता तो और भी अच्छा लगता। अभी फ़िलहाल में बंद किया हुआ है। अब गाइस हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गाइस देखिए इधर पर ये भी लिख रहा है बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इधर साइड भी लिख रहा है, इधर साइड हिंदी में लिख रहा है गाइस देखिए। तो गाइस हम आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस सामने अंबेडकर जी की फ़ोटो दिख रही है, उसके नज़दीक जाके और भी बड़ी दिखेगी, ये दूर से छोटी सी दिख रही है वैसे, हम इसके नज़दीक चलते हैं। और गाइस ये देखिए यहाँ पर बैठने का वो है, मतलब वो लगी हुई है, इस पर हम ऐसे बैठ सकते हैं। देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है, हम आराम से इस पर बैठ सकते हैं। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है इधर, मतलब पेड़ ही पेड़ से, मतलब छोटे छोटे से पेड़,
कितना अच्छा लग रहा है। गाइस देखिए यहाँ पर खजूर के पेड़ भी लग रहे हैं और भी हैं काफ़ी सारे लग रहे हैं, लाइन से लग रहे हैं खजूर के पेड़ हैं, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। ये देखिए गाइस यहाँ सीढ़ी है, फिर हम इसको ऊपर चढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम बहुत दूर से आ रहे हैं, देखिए वो कहाँ है उधर से, अभी वो बड़ी मूर्ति है, वो क्या नाम है, अरे अंबेडकर जी की, अंबेडकर जी की वो मूर्ति है, अभी हम वहाँ से आए, उसे मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। अभी हम देखिए उधर से रास्ता है, उधर से आए हैं, अभी हम आगे चल रहे हैं, आगे दिखाते हैं आपको। गाइस यहाँ पर तो काफ़ी सारे इमली के पेड़ हैं, देखिए एक तो ये रहा इमली का पेड़, और वो जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे इमली के पेड़ हैं। तो गाइस मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसी लगती है, वैसे इस पे इमली भी लगती है लेकिन है नहीं, ये देखिए गाइस ये भी इमली का ही पेड़ है, मैं थोड़ी सी खा के देखता हूँ इसको। ये देखिए गाइस इमली का पेड़ है ना, तो इमली तो नहीं हो रही लेकिन इमली की जो पत्तियाँ होती हैं वो खट्टी खट्टी लगती हैं, और खट्टी ही लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं वैसे। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं और भी जगह घूमते हैं, काफ़ी सारे इमली के पेड़ ये साइड में ही लगे हुए हैं, और वो जो आपको पीछे पीछे भी दिख रहे हैं ना, वो भी इमली के पेड़ ही हैं सारे, और वो जो आपको दिख रहे हैं वो खजूर के पेड़ हैं। तो गाइस हम आगे चलते हैं। देखिए गाइस अभी हम छोटी मूर्ति के पास आए हैं, देखिए ये है, ये भी बाबा साहेब, इस पर भी देखिए गाइस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही लिख रहा है इस पर, देखिए कुछ इस तरीके के हैं हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अच्छी तस्वीर बनाई है उनकी, कितनी अच्छी लग रही है ना गाइस। गाइस देखिए ये मायावती का घर है, इसके फ़िलहाल हम अंदर तो नहीं जा सकते, ये बाहर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मायावती का घर है, कितना बड़ा है ना गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है वैसे देखकर इसको। गाइस मुझे तो ये इमली खाकर थोड़ा खट्टी खट्टी अच्छी लगी है, मैं तो और खा रहा हूँ इनको, क्योंकि लाइन में ये कई सारे पेड़ लगे हुए हैं ना, लाइन से ही पेड़ लगे हुए हैं, वैसे अच्छी लगी है मुझे इमली। ये देखिए गाइस मैंने फिर से ले लिए, अच्छी लग रही है वैसे, खट्टी खट्टी है ना तो अच्छी लग रही है वो। तो गाइस अभी हम आगे चलते हैं। देखिए गाइस मैं अभी आगे आया था, इधर साइड भी खजूर के पेड़ हैं, इधर साइड भी, हम इधर साइड चलते हैं अब। तो गाइस क्या है ना, यहाँ पर ज़्यादा खजूर के और इमलियों के ज़्यादा पेड़ हैं, मतलब ज़्यादातर खजूर इमली इन्हीं सब के पेड़ हैं, और ये थोड़े बहुत इनके भी हैं ये जो लग रहे हैं, और ये छोटे छोटे पेड़ जो काफ़ी अच्छे लगते हैं इनके भी लगे हुए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब गाइस जब कहते हैं ना जब हरियाली हो जहाँ, तो वहाँ तो अच्छा लगता ही है, तो ज़्यादा हरियाली सी भी है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, घास वास लगी हुई है, बैठने के लिए जगह है। तो गाइस ये देखिए पता नहीं क्या है, इसके ऊपर तो मैं चढ़ नहीं सकता क्योंकि डांटेंगे वो लोग। तो गाइस ये देखिए पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वैसे, और ये जो है ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसमें शायद पानी भरता हो, ऐसा ही लग रहा है वैसे ये देखने में, लेकिन ये चीज़ क्या है ये समझ में नहीं आ रही। इसके आगे भी वैसा ही है, थोड़ा सा आगे चल के ऐसा ही है इसके बराबर में जो लग रहा है। तो ओके गाइस अभी मैं आपको
उस तस्वीर के सामने से उस तस्वीर को दिखाऊंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये जो मूर्ति बननी है ना इतनी बड़ी, अभी मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ, अभी मैं उसके फ्रंट लुक में भी जाऊँगा। ओके गाइस, तो गाइस हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ सीढ़ी है, ये कितना ये गोल गोल बनना है, देखिए गाइस ये गोल गोल बनना है, उसके बीच में हमारे अंबेडकर जी की तस्वीर बनी हुई है। अभी मैं आपको इसे सामने से दिखाता हूँ, देखिए गाइस कितने शानदार और कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे अंबेडकर जी। ये देखिए जी यहाँ पर भीमराव अंबेडकर लिख रहा है, देखिए इनका नाम लिख रहा है भीमराव अंबेडकर, और ये है इनकी तस्वीर कुछ। देखिए गाइस कितनी बड़ी है ना गाइस, मैं अभी आपको दूर से भी दिखाऊंगा। ये बगल में पुस्तक पकड़ रखी है, मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने हाथों से पुस्तक पकड़ रखी है। ये देखिए गाइस, मैं अभी आपको दूर से दिखाता हूँ दूर से कैसे दिखते हैं। ये देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी। देखिए गाइस हाथ में पुस्तक पकड़ रखी है, क्या अच्छी तस्वीर बनाई है, बनाने वाले को भी एक लाइक तो बनता है गाइस। तो गाइज हमने तो फाइनली पूरा पार्क घूम लिया है, अब हम गेट से एग्ज़िट करेंगे, जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से एग्ज़िट है इसका। तो अब हम मैंने पूरा पार्क घूम लिया है, यहाँ पर ये वही जो मैंने आपको पहले दिखाया था। देखिए गाइज मैंने आपको पहले बताया था ना कि मुझे लगता है जैसे पानी हो उसमें पानी के लिए। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं एग्ज़िट होने के लिए, फाइनली पूरा पार्क घूम लिया है हमने। तो ओके गाइज, तो फाइनली गाइज हम एग्जिट गेट पे आ गए हैं, वही जो एंट्री वाला था गेट वही एग्जिट है। तो गाइज हम चलते हैं एग्जिट होने के लिए। ओके गाइज ये रहा, ये हम आ गए हैं एग्जिट, वहाँ से हमने एंट्री कराई थी, ये हम एग्जिट हो चुके हैं। ओके गाइज, तो फाइनली गाइज हमने एग्जिट कर लिया है, अब इसके बाद हम चलते हैं घर। ओके गाइज, और कहीं जाओगे क्या? घर जा रहे, 2 बज गए, 2 बज चुके हैं। तो गाइज 2 बज चुके हैं, अब हम घर जाएंगे। तो गाइज मैं सोच रहा था थोड़ा मैं अपनी बाइक चला लूँ, मन कर रहा था। गाइज मैं अपनी बाइक चला कर देखता हूँ। ओके गाइज को कैसे प्लाजो पहन रखा बिक जाएगा, ले जाते बैठा रहे चला के। अबे वो कहाँ ले जा रहा हूँ? तो गाइज मैं तो थोड़ा ड्राइव करके आता हूँ आगे तक। ओके गाइज देखना आप उसको। तो गाइज मैं अभी बाइक चला रहा था, मैंने 70 के स्पीड से चलाई थी, पूरे 4 गियर लगा दिए थे,
70 के स्पीड से चलाई थी मैंने, पहली बार 70 के स्पीड से चलाई है। वैसे मैंने कभी चलाई नहीं है, ज़्यादातर 20 या 30 इतनी ही चलाई है, लेकिन मैंने आज 70 के स्पीड से चलाई है, वो भी चारों गियर गिर के। भाई मज़ा आ गया, तो चलते हैं अब हम घर के लिए चलते हैं। ओके गाइज, जैसा कि गाइस हम जा रहे थे तो हमें बीच में भंडारा मिल गया, तो हम इसलिए रुके। हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत खा के चले, क्योंकि हो रहा था बीच में। वैसे जब हम वहाँ से आ रहे थे ना, जब भी हो रहा था, लेकिन हमने सोचा चलो बाद में ले लेंगे जब वहाँ से आए। लेकिन अच्छा हुआ जो हमें वहाँ से आते वक्त में भी मिल गया। चलिए तो गाइस, यहाँ तो पानी ख़त्म हो रहा है। मैं वहाँ से पीने गया था, वहाँ नल लग रहा है, मैंने वहाँ से पी लिया है, यहाँ पानी ख़त्म हो रहा है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अब हम चलते हैं अपने घर के लिए। ये देखिए सामने से गाय आ गई, चलते हैं अब हम अपने घर के लिए, रोड क्रॉस करेंगे उसके बाद। तो फाइनली गाइस हमने रोड क्रॉस कर लिया है, अब हम चलते हैं घर के लिए। ओके गाइस, मैं जाओ चाहे कहूँ जाओ, भूखे कहूँ घर ले जाओ, कुछ खा पी के जाओ, थोड़ा बहुत प्रसाद मिल लो। फाइनली गाइज मैं घर आ गया हूँ। अब घर आके थोड़ा मन कर रहा था कि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या लेता हूँ मैं चटपट। ये भाई, ये रे भैया, वो भैया कुछ काम पड़ गया था। भैया को कॉलेज गए हुए थे, कॉलेज से आ गए, तो इन्हें एक्चुअली क्या है ना, फ़ोन आ गया था इनका, तो इन्हें कॉलेज जाना था, तो ये अब कॉलेज से आ चुके हैं। तो आज इसने आज सारा वीडियो जो कुछ बनाई सब इसने ही बनाई, कहीं घूमने चला गया पापा के साथ, और मैं सीधा कॉलेज। इसको फ़ोन दे दिया मैंने, चाहो तुम ही बनाओ सब कुछ, मैं फ़ोन वोन कुछ लेके नहीं गया। तो भाई चलो मैं दुकान पे चलता हूँ। ओके गाइस, एक मैंने ब्लैक मैजिक बिस्कुट लिया है, ये भी टेस्टी लगता है। तो गाइज फाइनली मैं तो आ चुका हूँ घर, तो इस ब्लॉग का अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है कि आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा गाइज तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड लाइक सब्सक्राइब चैनल। बाय।